हेलो फ्रेंड्स, आज हम अडोब पेज मेकर में व्यू ऑप्शन सीखेंगे। सबसे पहले फाइल पे क्लिक कीजिए, न्यू पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे पेज की साइज A4 सिलेक्ट करके ओके दीजिए। आप देख सकते हो आपको यहाँ पे पेज दिख रहा है, हमें टेक्स्ट लिखनी रहेगी। टी टूल लेके हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे। अगर आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके ड्रैग करिए। कंट्रोल पैनल में जाके आप साइज चेंज कर सकते हो, यहाँ पे साइज चेंज हो गई। अगर आपको टेक्स्ट को मूव करना है तो एरो टूल लेके आप टेक्स्ट को मूव भी कर सकते हो। आज हम सीखेंगे व्यू ऑप्शन। मेन्यू बार में आपको ऊपर व्यू ऑप्शन दिया हुआ है। व्यू यानी कि शो या हाइड करना। मास्टर पेज हाइड करना है, शो करना है तो आप शो कर सकते हो। वैसे ही जूम इन है यानी पेज की साइज बड़ी होगी। जूम आउट है यानी पेज की साइज छोटी होगी। अगर आपको लार्ज साइज में सेट करना है तो लार्ज पे क्लिक करिए, पेज की साइज लार्ज होगी। वैसे ही अगर फिट इन विंडो करना है तो जितनी विंडो की साइज है उतनी साइज में आपकी स्क्रीन सेट हो जाएगी। उसके बाद है डिफरेंट डिफरेंट साइजेस, 100% 200% दी हुई है, आप वहां से भी सेट कर सकते हो। उसके बाद है हाइड रूलर, रूलर हाइड हो जाएगी। अगेन आप जाके व्यू में शो रूलर करोगे तो रूलर आ जाएगी। उसके बाद है हाइड गाइड, यानी आपको गाइडलाइन हाइड कर देगा। और अगर आपको गाइडलाइन वापस लानी है तो शो गाइडलाइन पे क्लिक करिए, गाइडलाइन शो होगी। उसके बाद है हाइड स्क्रोल, स्क्रोल हाइड हो जाएगा। स्क्रोल शो करना है तो अगेन हम व्यू में जाके शो स्क्रोल करेंगे तो इस तरह से शो होगा। थैंक यू।